लिम्फेडोनेट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं? एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या कौन कौन से? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का फंक्शन होता है फॉर्मेशन मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। और सेकेंडरी का? सेकेंडरी का होता है मतलब सेकेंडरी लिम्फोसाइट साइट प्रोवाइड करता है एग्लूटिनेशन की, और एग्लूटिनेशन मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन जो होता है वो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो होते हैं, एक बोन मैरो और थाइमस। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के छह होते हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस और माल्ट? माल्ट। माल्ट का कितना परसेंट लिम्फोइड ऑर्गन मिलता है? 50%। 50%। और उसमें कितनी डक्ट आती है? कितनी डक्ट आती है लेयर? तीन। तीन कौन कौन सी? रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री और यूरिनोजेनाइटल। यूरिनरी। बी लिम्फोसाइट में क्या क्या आता है, कितना परसेंट होता है वो? 40%, और टी लिम्फोसाइट? 60%। बी लिम्फोसाइट क्या बताता है, कहाँ पे मैच्योर होता है वो? मैच्योर कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में। और बर्ड्स में? बर्ड्स में बर्सा ऑफ फैब्रिशियस और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये किसके लिए? और बी लिम्फोसाइट्स का भी प्रोडक्शन। हाँ हाँ ग्राफ्ट ग्राफ रिजेक्शन रिजेक्शन के के लिए लिए टी लिम्फोसाइट। क्या 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू माल्ट। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू एलिमेंट डक्ट्स में जो है, रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री और यूरोजेनाइटल डक्ट में। स्प्रिंग के बारे में बता दें, स्प्रिंग क्या है? स्प्लीन, स्प्लीन का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, वो आरबीसी को स्टोर करता है और आरबीसी का फिल्ट्रेशन भी करता है, इसलिए उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। और इसका एक और फंक्शन अभी हमने पढ़ा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है मतलब ये साइड प्रोवाइड करता है एग्लूटिनेशन की। कुछ 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 सब तो पूछ लिया।